नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह युक्सेल सीड कंपनी से, और हमारे साथ नेमेश जी हैं गुजरात युक्सेल सीड से, और आज हम गांव पिंजराया डिस्ट्रिक्ट धार में हूँ। ये जो प्लाट है यूसुफ जी का है, इन्होंने युक्सेल सीड्स की 5232 F1 वैरायटी हलित F1 वैरायटी लगाए हुए हैं। तो अभी हम जिस पौधे के पास बैठे हुए हैं, हलित F1 वैरायटी है, तो जैसा कि आप देख सकते हो हलित F1 वैरायटी का फ्रूट की सेटिंग कितना ज़बरदस्त है। कितना दिन का हो गया ये प्लांट? ये लगभग 50 दिन का पौधा हो चुका है और 3 हार्वेस्टिंग हुआ है। पहले हार्वेस्टिंग में 16 क्विंटल, दूसरे में 16 क्विंटल और तीसरे में लगभग 8 क्विंटल निकला है। अभी चौथी हार्वेस्टिंग कल है, होने वाला है। तो आप देख सकते हो इस वैरायटी का फ्रूट की क्वालिटी। थोड़ा नमेश जी, आप इसके बारे में बताइए थोड़ा हमारे किसान भाइयों को, कैसा लग रहा आपको? आप गुजरात में भी फील्ड वगैरह करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपना नीचे से अगर नोडल डिस्टेंस को चेक कर लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 यानी छठे नोड से एक्स्ट्रा फ्रूटिंग जो इनकी स्टार्ट होनी चाहिए, जिस तरीके की कुकुम्बर में से अपनी सेटिंग रहनी चाहिए और मल्टी फ्रूटिंग की जो सेटिंग रहनी चाहिए, वो एक पर्टिकुलर वे में एक सिंगल रो के साथ में पूरा सेटिंग नीचे से लेके ऊपर तक स्टार्ट है। ऑल ओवर अगर आप देखेंगे तो एज अ कंपेयर टू फ्लावर ड्रॉपिंग, तो उसकी भी जो कंडीशंस हैं वो आज की डेट में इस वैरायटी में बहुत कम है, जो हम आगे भी देख सकते हैं। इसका थोड़ा फ्रूट की क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, दिखाइए। और क्वालिटी के मामले में देखेंगे तो एज ए जो कि बहुत अच्छा है। अभी तो ये अनमेच्योर फ्रूट है, आगे की डेट में 2 दिन के बाद में थोड़ा मेच्योर होगा, तो आपको भी ये थोड़ा शाइनिंग और इसकी जो सॉफ्टनेस है स्किन की, वो भी अच्छे से दिखेगी। बाकी आगे इस वैरायटी में भी आप देख सकते हैं कि वायरस वगैरह नहीं है, क्योंकि लगभग 35-40 डिग्री टेम्परेचर है और कूलिया उसके अंदर लगा हुआ है। इसका लिप्स वगैरह देख सकते हैं तो पूरा डार्क ग्रीन है, पूरा फ्रूट की क्वालिटी एकदम डार्क ग्रीन है। और ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम मतलब आप देख सकते हो हर इंटर नोट्स पे कि लगभग 4-4 5-5 फल सेट है।